Radeon 7 is the second generation Vega graphics core. And when you look at what it delivers, we really deliver leadership performance in content creation and compute workloads. Hey guys, welcome back to another video. तो दोस्तों, AMD ने CES 2019 में रिलीज किए हैं दो बड़ी चीजें. एक है इनका नेक्स्ट जनरेशन Radeon 7 ग्राफिक्स कार्ड एंड दूसरा है एक अनअनाउंस्ड Ryzen 3000 सीरीज का 8 कोर 16 थ्रेडेड CPU, जो कि हमारे पहले हम लोगों ने जितने भी रूमर्स डिस्कस किए थे उससे काफी अलग है. बट इट ऑल मेक सेंस. क्यों? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो देखते रहो. एंड वीडियो से याद है गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता लग सके. एंड अगर तुम लोगों को AMD के नए ग्राफिक्स कार्ड्स एंड नए CPUs के बारे में जानना है तो देखते रहो. स्टे ट्यून्ड. प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूबलाइट. जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे, जिसपे मैं बनाता हूँ पीसी हार्डवेयर गेमिंग एंड टेक ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हिंदी में. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद हो तो. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AMD के नए 7 नैनोमीटर वेगा ग्राफिक्स कार्ड की, जिसको AMD ने नाम दिया है Radeon 7, बिकॉज ये 7 नैनोमीटर के FinFET प्रोसेस पे बना है. तो ये वर्ल्ड का पहला 7 नैनोमीटर गेमिंग GPU है. एंड इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अंदर हमको मिलते हैं 60 CUs, यानी कि स्ट्रीम प्रोसेसर्स की बात करें तो 3840 स्ट्रीम प्रोसेसर्स. वेगा 64 की बात करें तो उसके अंदर हमको 64 CUs एंड 4096 स्ट्रीम प्रोसेसर्स मिलते थे. तो आप लोग देख सकते हो कि CUs का काउंट कम कर दिया गया है एंड स्ट्रीम प्रोसेसर्स का काउंट भी अकॉर्डिंगली कम हुआ है. हाउएवर, बिकॉज इट्स ऑन अ 7 नैनोमीटर प्रोसेस, तो इसीलिए परफॉर्मेंस में इजाफा हमको मिला है. इसके अलावा हम लोगों को मिलता है 128 ROPS एंड इसका बूस्ट क्लॉक जो है दैट इज 1800 MHz. इसके अंदर हमको 16GB की हाई बैंडविड्थ मेमोरी 2 मिलेगा, जिसका हमको मेमोरी क्लॉक 2GBPS के आसपास होगा. एंड मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो 4096 बिट के बस में हमको टोटल 13.8 टेराफ्लॉप्स का सिंगल प्रिसीजन परफॉर्मेंस देगा. बोर्ड पावर एंड बाकी सारे डिटेल्स नहीं क्लियर हैं, हाउएवर फरवरी में ये कार्ड रिलीज होना है. एंड इस कार्ड का प्राइसिंग रखा गया है $699 एंड इंडिया में आते आते अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास, 50-55,000 के आसपास इसका प्राइस पड़ेगा. सो सारे बेंचमार्किंग नंबर्स तो हमारे पास है नहीं गाइस. हाउएवर, जो हम AMD ने हम लोगों को बताया कि इसके अंदर हमको सेम पावर पे 25% तक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा एंड एग्जिस्टिंग 8GB की जगह 16GB हाई बैंडविड्थ मेमोरी मिलेगा, जो हमको टोटल 1TB पर सेकंड का मेमोरी बैंडविड्थ देंगे. जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, Radeon 7 जो है इसका जो रेफरेंस डिजाइन है उसको चेंज करके पहले जो ब्लोअर स्टाइल एडिशन होता था या जो वेगा 64 वेगा 56 में जैसा आए थे उससे हटा के नाउ इट्स अ ट्रिपल फ्लैन डिजाइन. एंड ये एग्जिस्टिंग जैसे एनवीडिया ने भी अपने रेफरेंस क्वाड्स को चेंज किया है, वैसे इन्होंने भी चेंज किया है. अब बात करते हैं इसके साइज की. तो गाइस, साइज इसका छोटा नहीं है जितना हम लोगों का वेगा 64 का जो डाई था एंड उसका जो पीसीबी था, सेम उसी टाइप का डाई एंड पीसीबी है. हाउएवर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं अब, तो 4K मैक्स सेटिंग्स पे उन्होंने कुछ गेम्स खेल के दिखाए, जिसमें से एक था डिविजन 2 एंड एक था फोर्जा होराइजन 4. एंड दोनों पे ही 4K पे ये कार्ड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. एग्जैक्ट नंबर्स तो है नहीं, बट हाउएवर इट वाज मोर देन 60 एट ऑल केसेस, व्हिच इज क्वाइट ओके. अब हम लोग बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की. तो गाइस, तीन बेंचमार्क्स उन्होंने निकाले हैं, बैटलफील्ड 5, फार क्राई 5 एंड स्ट्रेंज ब्रिगेड में. यहां पे 4K रेजोल्यूशन पे हमको DX12 टाइटल जो कि है बैटलफील्ड 5, तो RTX 2080 हमको 61 FPS देता है एंड Radeon 7 हमको 62 FPS देता है. वहीं पे अगर हम बात करें Far Cry 5 की, तो अगेन सेम सिचुएशन है, RTX 2080 हमको 61 FPS देता है एंड Radeon 7 हमको 62 FPS. एंड Vulkan में यानी स्ट्रेन ब्रिगेड में हमको 73 FPS के बजाय मिलते हैं 87 FPS. तो आप लोग देख सकते हो जितने भी गेम्स Vulkan API यूज करेंगे दे विल परफॉर्म बेटर, बिकॉज वो AMD ऑप्टिमाइज रहता है जनरली. हाउएवर, ये कार्ड जो है ये RTX 2080 Ti के अगेंस्ट में नहीं है, ये RTX 2080 के अगेंस्ट में, यानी कि GTX 1080 Ti के परफॉर्मेंस के आसपास. साथ ही इसके साथ हमको AMD का स्टैंडर्ड जो है फ्रीसिंग एंड बेटर कंटेंट क्रिएशन के लिए बेटर परफॉर्मेंस वो सब मिलता है. हाउएवर, पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा एक्साइटिंग हुआ, बिकॉज उन्होंने बोला है सेम पावर पे 25% मोर परफॉर्मेंस, सो आई डोंट थिंक पावर कंजम्पशन कहीं पे कुछ कम होने वाला है. हाउएवर, इसके अंदर हमको अगेन 2 8-pin के PCI पावर कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. तो आप लोग देख सकते हो कि सेम जो Radeon Vega 64 जितना भी पावर कंज्यूम करता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास पावर कंज्यूम करेगा. बट द प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड $699, यानी इंडिया में आते आते ये अप्रोक्सीमेटली 60-70 हजार तक का पहुंच सकता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है. एंड
यहाँ इस केस में जब आपके सामने एक RTX 2080 कार्ड है जिसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग मिलता है बट द परफॉर्मेंस इज सेम, एंड फाइनली जब एनवीडिया ने ये बोला है वो अपने GeForce ग्राफिक्स कार्ड पे भी जो एडेप्टिव सिंक है यानी फ्री सिंक है वो मॉनिटर्स को भी सपोर्ट करेंगे, जी सिंक कंपेटेबल, जी सिंक अल्टीमेट बोल के जो उन्होंने बताया है, तो उसके हिसाब से नाउ इट विल बी ए वेरी ट्रिकी चॉइस कि RTX 2080 खरीदें या Radeon 7 खरीदें। तो और जब इसके बेंचमार्क सामने आएंगे तो आई विल क्लैरिफाई मोर जब भी इसमें हम लोगों को मिलेगा। हाउएवर एक जो चीज उन्होंने ये बताया है कि ये कार्ड जो है ये 4K गेमिंग के लिए बना है एंड इसके साथ हमको तीन टाइटल्स फ्री मिलेंगे, रेजिडेंट इवल 2, डेविल मे क्राई 5 एंड डिविजन 2, जो कि इस डील को तो कहीं ना कहीं पे $100 के आसपास, 100-150 डॉलर के आसपास सस्ता कर देते हैं, एंड ये फरवरी 7 से हमको अवेलेबल रहेगा। बोर्ड पार्टनर्स के कार्ड भी उसके बाद ही हमको मिलेंगे। हाउएवर अभी भी जो लीक्स थे उसके हिसाब से बहुत सारे नए GPUs आने हैं लो एंड पे, तो वी विल जस्ट वेट फॉर दैट। आई डोंट थिंक अभी वो ऐसा कुछ रिलीज करने वाले हैं इस CES में, बट कोई भी न्यूज आएगा तो आई विल कवर इट। Guys, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन यानी Ryzen 3000 सीरीज के डेस्कटॉप के बारे में। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, बस एक इंजीनियरिंग सैंपल का टेस्ट उन्होंने दिखाया है हमको, एंड वो दिखाया है Cinebench R15 पे, जहां पे उन्होंने Cinebench R15 को i9-9900K के साथ कम्पीट कराया, एंड वहां पे हम लोगों को देखने को मिला बहुत इंटरेस्टिंग चीज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जो फाइनल स्कोर्स थे दोनों प्रोसेसर्स के वो काफी बराबर थे, यानी कि यहां पे i9-9900K ने स्कोर किया 2042 मल्टी कोर टेस्ट में एंड 8 कोर AMD ने स्कोर किया 2023, जो कि काफी बराबर है, बट इसके फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइनल नहीं है, एंड i9-9900K का जो ऑल कोर बूस्ट है दैट इज 4.7 GHz, जो Asus का मदरबोर्ड उन्होंने यूज किया, जो डिटेल्स और भी सामने निकल के आए हैं उसके हिसाब से। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट अमेजिंग, बिकॉज जितने भी बाकी लीक्स थे जहां पे हमको 12 कोर्स एंड 16 कोर्स वाले CPUs मिलने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं दिया है। हाउएवर 8 कोर 16 थ्रेड का जो पार्ट है वो आज की डेट में i9-9900K को हमने अपने सामने देखा कि वो उसको टक्कर दे रहा था, बट खास चीज ये है कि AMD का जो सिस्टम है वो लो पावर पे रन कर रहा था, बिकॉज AMD का सिस्टम अराउंड 130 से 132 वॉट्स के बीच में खींच रहा था, वहीं इंटेल का जो सिस्टम था वो अराउंड 180 वॉट्स पे चल रहा था। दिस इज वन थिंग जो कि सामने आया है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है इसका जो डाई साइज जो सामने निकल के आया है, तो वो अगर आप देखोगे तो नाउ ये Ryzen 1 एंड Ryzen 2 सीरीज से काफी अलग है। इसके अंदर दो चिपलेट्स नहीं है, यानी कि दो अलग अलग CPU कोर्स का बंडल नहीं है जिसको इन्फिनिटी फैब्रिक से कनेक्ट किया गया है। गाइस, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये Ryzen 3000 सीरीज का नया चिप है, एंड इसके अंदर हम आप देख सकते हो कि दो डाइज लगे हुए हैं, यानी कि दो सिलिकॉन के पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला जो छोटा साइज का है वो है हमारा 7 नैनोमीटर के 8 कोर्स, एंड जो बड़ा है वो है 14 नैनोमीटर पे बेस्ड IO डाई, एंड वो आपका जो लेन एलोकेशन एंड PCI एक्सप्रेस या मेमोरी से कंट्रोलर से बात करने का जो काम है वो करेगा। नाउ इस केस की खास बात ये है कि अगर यही फाइनल प्रोडक्ट है तो फिर कहां गए वो 12 कोर एंड 16 कोर वाले। तो व्हाट आई कैन थिंक इज कि ये जो डाई है ये आप देख सकते हो कि इसके नीचे थोड़ी सी जगह खाली है, एंड वहां पे सेम इसी टाइप का एक और चिपलेट आ सकता है जो कि इसको 12 या 16 कोर तक खींच सकता है। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, हम लोगों को फ्यूचर में आने पे और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या है, तो यहाँ पे AMD ने एक 8 कोर सिस्टम बनाया है जो कि i9-9900 से टक्कर ले रहा है Cinebench में। नाउ दिस अकेला बेंचमार्क जो है दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, एंड इसके फ्रीक्वेंसीज भी अभी तक फाइनल नहीं है। However, if we can understand कि अगर हम Ryzen 7 2700X का स्कोर देखें तो उसका स्कोर Cinebench पर अराउंड 1700 के आसपास आता है, एंड वहीं Ryzen 1700X का करीब करीब 14 या 1500 के आसपास आता था। तो अराउंड 15% का इंक्रीज है Ryzen 7 2700X से इस नए अनअनाउंस्ड Ryzen 3000 सीरीज के चिप में। सो गाइज, हुआ ये है कि 7 नैनोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसके आने के बाद आइदर IPC में बहुत अच्छा जंप मिला है या फिर इन्होंने जो आर्किटेक्चर चेंज किया है उसकी वजह से लेटेंसी कम हुआ है एंड IPC बढ़ा है। हाउएवर ये भी हो सकता है बिकॉज ये 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनाया है तो क्लॉक स्पीड्स भी हमको पहले से ज्यादा मिले, एंड ये अभी जो उन्होंने टेस्ट दिखा है ये हो सकता है बिकॉज इट वॉज ए इंजीनियरिंग सैंपल, तो उन्होंने उसको फाइनल फ्रीक्वेंसीज अभी तक नहीं अलॉट। इसमें भी खास बात वही है कि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो i9-9900K से कम था, एंड परफॉर्मेंस जो है वो करीब करीब इक्विवेलेंट है। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आगे आने वाले टाइम पे नाउ इंटेल एंड AMD अगर दोनों 8 कोर 16 थ्रेड पे खेलते हैं तो उनके पास बहुत ही सिमिलर एक प्रोडक्ट होगा, एंड
अगर फ्रीक्वेंसीज लेट्स से 4.5 4.6 हैं एंड वो इस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने प्रोसेस में ये इंटेल से बेटर आईपीसीज उन्होंने अचीव कर लिए हैं अपने 7 नैनोमीटर पार्ट्स पे। हाउएवर क्लॉक स्पीड एडवांटेज अभी भी इंटेल के पास है, यानी आप जानते हैं कि i9 9900 के 5 गीगाहर्ट्ज़ को इजीली हिट कर सकता है। तो गाइज आई नो आप लोगों में से बहुत लोग वेट कर रहे थे AMD के नए GPUs एंड CPUs को लॉन्च होने के लिए, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आप लोगों ने काफी दिनों तक इसका वेट किया है। बट द प्रॉब्लम इज कि एज अ कंपनी अगर AMD ये कर रहा है तो इट इज क्वाइट ओके, एंड वो अभी अपना जो कंपटीशन है वो इंटेल एंड एनवीडिया दोनों के लिए उसने निकाल दिया है। बट बिकॉज कुछ भी ठीक से अनाउंस नहीं किया है, कोई मेन स्ट्रीम कार्ड उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है फ्यूचर में हमको ये सब मिले। नाउ CPUs इतना लेट इसलिए हैं, इसका रीजन ये है कि PCIe 4.0 जो है वो उनके चिपसेट के साथ उनको देना है, एंड X570 चिपसेट मोस्ट प्रोबली PCIe 4 को सपोर्ट करेगा, तो दैट इज वाई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी तो रहेगा ही। तो जब वो X570 रिलीज करेंगे उसके साथ ही वो ये नया CPUs का जो पूरा लाइनअप है इसको भी रिलीज करेंगे। सो गाइज दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आई होप तुम लोगों को ये न्यूज इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर तुम लोगों ने मेरे YouTube पोस्ट पढ़े होंगे तो मैंने कल रात को भी काफी बात की काफी लोगों से, एंड बहुत लोग डिसअपॉइंटेड भी थे। हाउएवर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आने वाले टाइम पे हो सकता है हमको बहुत अच्छे अच्छे CPUs एंड GPUs मिले। आप लोगों को क्या लगता है बताओ मुझे नीचे कॉमेंट्स में। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, पीस आउट। We'll be right back.